आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है ग्रेट कंपनसेशन। आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक। इस पे ये गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी इंजन से चलती है, इंजन कनेक्ट होता है पिछले टायर से, रियर व्हील से। ये फ्रंट व्हील है, यह है रियर व्हील। तो जो इंजन होता है वो कनेक्ट होता है पिछले रियर व्हील से, ठीक है। रियर व्हील में पावर प्रोड्यूस करता है और वो फोर्स कहलाता है ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है जिस वजह से गाड़ी इस डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में जाती है। तो मान लीजिए यही कोई कर्व आ जाए, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, मोड़ आ गया। अब यहाँ पे अब देखोगे पिछला पहिया तो सीधा ही रहता है, लेकिन जो अगला पहिया है बस वही बेंड होता है। तो जो पिछला पहिया है वो ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है लेकिन सीधे डायरेक्शन में कर रहा है। टायर जो होता है वो फ्रंट व्हील ही सिर्फ मुड़ता है, कोई कर्व पे गाड़ी मोड़ने के लिए स्टेयरिंग जब घुमाते हैं तो फ्रंट व्हील ही मुड़ता है, रियर व्हील सीधा ही रहता है। तो जो रियर व्हील है वो पावर प्रोड्यूस करेगा सीधा ही इसी डायरेक्शन में, लेकिन फ्रंट व्हील जो है वो गाड़ी को इस डायरेक्शन में ले जाता है, जैसे इस डायरेक्शन में ले जाता है। तो जैसे आप ट्रैक्टिव फोर्स को मान लेते हैं टी, ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आप देखोगे जो फ्रंट व्हील है इधर मोड़ रहा है तो गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस फोर्स में कुछ कमी आएगी। जब डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है गाड़ी का तो इस फोर्स में कुछ कमी आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा, ये एंगल है, ये एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस अल्फ़ा। ये एंगल को अल्फ़ा ले लें तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस अल्फ़ा। तो कर्व पे ये जो ट्रैक्शन होता है यही होता है ट्रैक्शन लॉस, ट्रैक्शन लॉस, ठीक। अब जब गाड़ी, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल कर की बात, अब वर्टिकल कर में देखेंगे। जब गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, जो वर्टिकल कर है गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें ये जो ग्रेविटी है इसको पीछे की तरफ खींचती है, और एक वेट भी काम करता है नीचे, तो ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है, गाड़ी को ऊपर जाने से रोकती है, तो गाड़ी को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर मान लो आपको पहाड़ पे, जैसे जो हिल है, अब आप देखे होगे कि इसमें पहाड़ों पे ऐसे साइड साइड से रास्ता काटते हैं, और ये ऐसे रोड ऊपर की तरफ जाती है, इधर से आएगी ऐसे, और इस पे गाड़ी चलती है। अब इसमें आप देखोगे कि ये हॉरिजॉन्टल कर भी आ रहा है, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल कर भी आ रहा है, और ये वर्टिकल कर भी आ रहा है, ये दोनों का मिक्सचर होता है इस पे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कर भी आ रहा है और ग्रेडियंट भी है, प्लस ग्रेडियंट। अब इसमें क्या है, गाड़ी की एक कैपेसिटी होती है, गाड़ी की एक पावर होती है। तो ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट वर्टिकल कर्व, तो गाड़ी उन चीज़ों को झेल नहीं पाती है, गाड़ी की भी एक लिमिट होती है। तो जब ट्रैक्शन, जैसे बताया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रैक्शन लॉस होता है, और वर्टिकल कर्व पे गाड़ी ऊपर जाने में उसको रेजिस्टेंस डेवलप होती है ग्रेडियंट की वजह से, ठीक। तो हम लोग को पहाड़ पे ऐसे रास्ता बनाना है तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, वर्टिकल कर्व भी और हॉरिजॉन्टल कर्व भी। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ये है वर्टिकल कर्व, ये ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट मतलब ढाल होता है, ये ढाल को हम लोग कम कर देते हैं। जैसे कि ये ग्रेडियंट है, ठीक। अब इस ग्रेडियंट को हम लोग कम कर देते हैं, इस लेवल पे कर देते हैं, तो ये ग्रेडियंट में जो कमी कर रहे हैं यही कहलाता है ग्रेट कंपनसेशन। तो ये ग्रेडियंट अगर 4% है तो
ग्रेट कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 4% कैसे आता है, जैसे कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लोग मान लो ये एन डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस एक्स है, ये ग्रेडियंट है, इस पर गाड़ी मूव कर रही है, तो ये आप लोग देखोगे कि ये ऐसे शो किया जाता है, ये वर्टिकल एक्स इन एन, जैसे कि आप बुक्स में देखोगे लिखा होगा कुछ ऐसा 1 in 100, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो आप इनका परसेंटेज निकालोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1/100 करोगे तो कुछ परसेंट आएगा। तो ऐसे ही अगर 4% ग्रेडियंट है तो ग्रेट कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो हो जाता है निग्लेजिबल होता है। तो ग्रेट कंपनसेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, होता है थर्टी प्लस आर अपॉन आर, यहाँ पे जो आर है आपका वो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है, कर्व है ये मीटर में होता है, ठीक। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम ग्रेट कंपनसेशन की एक लिमिटेशन होती है, उसका फॉर्मूला है सेवेंटी फाइव अपॉन आर। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं मैक्सिमम ग्रेट कंपनसेशन 75/r, यहाँ पे r जो है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व है मीटर में। तो ये था आज का लेक्चर ग्रेट कंपनसेशन। ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।